विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मेरे पुत्र भूखे हैं प्रभु, तो भला भला मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। परिवार से दूर रहने पर परिवार की चिंता बढ़ जाती है, किंतु तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? प्रभु, अपने मित्र के स्नेह की, भक्त के भक्ति की लाज रख ली आपने। हे दया निधान, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तब तो भाभी माँ और बालकों ने भी भोजन कर लिया होगा। क्या हुआ, अभी भी कोई संदेह है तुम्हारे मन में, या अपने मित्र के हाथों से भोजन करने की इच्छा ही नहीं? मेरे श्री कृष्ण विश्वास और प्रमाण से परे हैं, उनसे बड़ा ना तो कोई सत्य है और ना ही सर्वोच्च। आप तो परम सत्य हैं। तो इस भोजन के सत्य को स्वीकार करो मित्र, भोजन ग्रहण करो। यहां विश्राम करो मित्र। मैं यहां प्रभु, किंतु मेरे वस्त्र तो मैले हैं। मैले नहीं है सुदामा, तुम्हारे वस्त्रों पर बस कुछ माटी लगी है, वो माटी जिससे हम बाल्यावस्था में खेला करते थे। मुझे सब स्मरण है मित्र, मैं खट्टे आम चखूं भी नहीं, इसलिए कैसे तुम सभी आम खा लिया करते थे। राजा ही नहीं, प्रभु तो स्वयं परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार, फिर भी कितनी सरलता है इनके स्वभाव में। लो, मैं तो स्मृतियों में ही खो गया था, किंतु तुम तो किसी विशेष कारण से ही आए होगे ना? खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा। क्या हुआ मित्र, कहो ना, अब भी संकोच करोगे मुझसे? मैं कैसे बताऊं आपको क्यों आया हूं मैं आपके इस भव्य स्वागत से। आपका ये मित्र, ये भक्त निशब्द हो गया है, मैं आपको कैसे कुछ कहूं? विचारों को शब्द बनने से मत रोको, बताओ मित्र सुदामा, क्या है तुम्हारे मन में? प्रभु, आपने मित्र माना है मुझे, और मुझे अपने मित्र के दर्शन हो गए, तो भला
इससे विशेष और क्या हो सकता है? अच्छा, तो मित्र के लिए कुछ भेंट भी लाए हो या खाली हाथ आए हो? लाया तो अवश्य हूं। मित्र सुदामा के हाथ आगे बढ़कर रुक क्यों गए? किंतु कैसे दूं मैं? इनके पास तो सब कुछ है, धन संपत्ति। उसके समक्ष मेरे चावल के कुछ दानों का भला क्या मूल्य है? भाभी माँ ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। मित्र के लिए मित्र से अधिक क्या भेंट हो सकती है? मैं आया हूं ना, शेष तो है सब आपके पास। तो मेरे जैसा दरिद्र ब्राह्मण यदि कुछ कुछ लाता भी तो क्या लाता? अच्छा, तो अपने पीछे ये पोटली क्यों छिपा रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। मित्र अब दे भी दो। सुदामा दे दो, लाओ। सुदामा लाओ। कुछ भोजन भेजा है भाभी माँ ने, और तुम स्वयं खाने के लालच में मुझे नहीं दे रहे। देखो रुक्मिणी, क्या भेजा है भाभी माँ ने, चूड़ा। भाभी माँ ने भेजा है तो स्वादिष्ट तो होगा ही। इस एक दिवाली के स्वाद का सुख, आहा, जैसे समूची धरती का सुख एक पल में ही प्राप्त हो गया। रानी वाला जैसे स्वर्ग के सभी सुख मिल गए। और अभी सुख समाप्त नहीं हुए, अभी और भी है। प्रभु, यदि आपने ये तीसरा निवाला ग्रहण कर लिया तो उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी।
उनके भविष्य का निर्धारण उनके कर्मों द्वारा ही होने दीजिए स्वामी। पहले निवाले में आपने उन्हें धरती के सभी सुख दे दिए और दूसरे निवाले से स्वर्गलोक के ऐश्वर्या। स्वामी, इतना स्वादिष्ट चूड़ा है तो आप मुझे चखने नहीं देंगे? अवश्य प्रिय। सुदामा, भाभी माँ का दिया सारा चूड़ा तो हम खा चुके, अब तुम तो खाली हाथ ही लौटोगे। नहीं प्रभु, खाली हाथ नहीं, आपका दिया हुआ अपार सुख अपने साथ लेकर जा रहा हूं, जो आपने अपना प्यार न्योछावर करके मुझे दिया है। सुदामा, मेरे मित्र, सब कुछ ही क्षणों में घर पहुंच जाऊंगा। बालक सुनेंगे द्वारका में कैसा स्वागत हुआ मेरा, तो कितने आनंदित होंगे सभी। और जब ब्राह्मणी ये सुनेंगी प्रभु ने कितने चाव से चूड़ा खाया था, तो वो भी अति आनंदित होंगी। किंतु ब्राह्मणी ने तो कहा था, स्वामी स्वामी प्रभु के पास खाली हाथ तो जा रहे हैं, खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा। मैं मांग ही लेता तो वो मुझे कुछ देने से मना थोड़ी करते, वैसे बिना मांगे ही दे सकते थे, किंतु संभव है इसलिए नहीं दिया होगा, कहीं सांसारिक सुख पाकर मेरे मन में अहंकार ना आ जाए और मैं प्रभु की महिमा को ना भूल जाऊं। किंतु एक ब्राह्मणी को मैं कैसे समझा सकूंगा? ये तो यही थी मेरी, कहां चले गए? ये भवन राजभवन जैसा, ये यहां कैसे? मैं मार्ग भूल तो नहीं गया ना? किंतु ये कैसे संभव है? स्वामी प्रणाम। स्वामी स्वामी देखिए, ये देखिए,
कुछ मिल गया हमें। स्वामी आपने प्रमाणित कर दिया कि प्रभु आपके मित्र है, उन्होंने खाली हाथ नहीं भेजा आपको। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, आप परम सत्य हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और ये सब संभव हुआ केवल और केवल प्रभु श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजा के कारण। सर्वप्रथम मुझे सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई, गोलोक में परम प्रभु श्री कृष्ण का सानिध्य मिला, और फिर मेरे प्रभु की कृपा यही नहीं रुकी, स्वयं उन्होंने मेरा ऐसा सत्कार किया जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, किसी से नहीं। हे प्रभु, आपने तो अपने इस भक्त का जीवन धन्य कर दिया। धन्य होंगे वो सभी जो सदा धर्म पथ पर चलकर सत्कर्म करेंगे और सत्यनारायण व्रत पर कथा उनका मुझ तक पहुंचने का माध्यम बनेगा। उन्हें सुदामा जी और उनके परिवार के समान सदा समृद्धि प्राप्त होगी। प्रभु भक्त शतानंद और श्री कृष्ण मित्र सुदामा की कथा से ये सीख प्राप्त होती है कि अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जिस भी रूप में हो, कठोर तप हो अथवा सरल भक्ति, प्रभु के प्रति निष्ठा और उन पर विश्वास होना चाहिए, उनके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। भक्त का प्रेम प्रभु को भी प्रेममयी बना देता है, और भक्ति प्रेम निष्ठा में स्पर्धा नहीं होती। स्वामी, स्वामी के प्रेम की आस में हम दोनों एक दूसरे से ही स्पर्धा कर रही थी, किंतु जहाँ विश्वास है वहीं प्रेम का निवास है, ये हम भूल गए। प्रभु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या क्या नहीं करने लगी। किंतु इस प्रसंग से मिलने वाली एक और सीख है, सुदामा जी की कथा से जुड़ी हुई एक और अद्भुत कथा है। कैसी कथा? वो कथा जिसमें एक साधारण लकड़हारा भी अपने विश्वास के बल पर राजा के पद पर पहुंच गया, और इतना ही नहीं, उसे प्रभु श्री हरि के चरण स्पर्श करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। किसकी कथा है ये प्रभु? क्या वो भी यही है हमारे बीच कैलाश में? ये कथा है गुहाराज केवट के पूर्व जन्म की, और आपको ये कथा उनके मुख से ही सुननी चाहिए। सभी को मेरा प्रणाम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अपने पूर्व जन्म में मैं एक साधारण लकड़हारा था जो वन से सूखी लकड़ियां काट कर लाता था, और उसी से मेरा जीवन यापन होता था। पर कभी कभी मेरे लिए इतना पर्याप्त नहीं होता था और मैं कठिनाई में पड़ जाता था। आज तो कोई सूखा वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा। वहां एक वृक्ष सूखा हुआ लग रहा है। आज का दिन व्यर्थ होने से बच गया। रूखा सूखा ही सही, कुछ तो भोजन प्राप्त होगा हमारे परिवार को, भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ेगा। चलो उसे काटते हैं। Thank you.
क्या हुआ मित्र, तुम रुक क्यों गए? इस वृक्ष को अभी हम काट नहीं सकते, ये पूर्ण रूप से सूखा नहीं है, इसमें अभी भी जीवन शेष है। तुम्हारे आदर्शों के कारण हम क्यों वंचित रहे? सूखा नहीं है तो सूख जाएगा, अब इसमें क्या बचा है? हाँ, इसमें बचा ही क्या है? संभव है सूख जाए, पर पतझड़ में भी इसमें नए पत्र हैं, तो ये भी संभव है कि ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। रे भाई छोड़ो, ऐसा सोचकर वृक्ष को छोड़ते रहे तब तो हो गया, हमारे परिवार नहीं बचेंगे। आओ चलो हमारे साथ, काट लो इसे। नहीं नहीं, ऐसा अधर्म मैं नहीं कर सकता, अपने पेट के लिए दूसरे के जीवन को आहत कर दूं, ये तो अधर्म है। हमें कोई और वृक्ष ढूंढना चाहिए। नहीं भाई, इतनी कठिनाई से पूरा वन ढूंढने के बाद ये वृक्ष मिला है, हम ऐसे समय नहीं व्यर्थ कर सकते। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो ये वृक्ष तुम्हारे बिना भी कट जाएगा। चलो। मूर्खता मत करो, अन्यथा तुम्हारा परिवार आज नहीं तो कल बहुत कष्ट में पड़ जाएगा। अरे अपना नहीं तो उनका तो विचार करो, और चलो आ जाओ हमारे साथ। संध्या होने को है, एक भी काटने योग्य वृक्ष दिखाई नहीं दिया। हे प्रभु, प्यास भी लगी है, कुछ नहीं तो पीने के लिए जल ही मिल जाए। वहां वहां जल मिल सकता है। वहां तो बस एक जीर्ण शीर्ण कुटिया हुआ करती थी, अब वो इतने भव्य भवन में कैसे बदल गई? एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सब प्रसाद ग्रहण कीजिए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। ये ब्राह्मण तो बहुत दरिद्र हुआ करता था, आश्चर्य, अब इस पर समृद्धि की कृपा है। आइए आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण देवता, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल चाहिए। अवश्य। गृह स्वामिनी के हाथों में स्वर्ण का पात्र, लीजिए जल लीजिए। ये प्रभु का प्रसाद है, इसे भी अवश्य ग्रहण कीजिए। इसे बांध क्यों रहे हैं? आप थके हुए लग रहे हैं, भूख भी लगी होगी, यहीं बैठकर खा लीजिए। वो घर पर मेरे वृद्ध माता पिता हैं, उनके बिना मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, ये प्रसाद उनके साथ भी बांट लूंगा। हाँ हाँ, उनके लिए और ले जाइए। आश्चर्य, जिनके पास कुछ नहीं था आज वो इतने धनवान कैसे बन गए? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता,
किंतु मुझे तो स्मरण होता है कि आप तो बहुत दरिद्र था। किंतु प्रभु सत्यनारायण की कृपा से मुझे दरिद्रता से मुक्ति मिल गई। मैं आपका मनोभाव समझ रहा हूं। आप भी प्रभु सत्यनारायण की पूजा और व्रत कीजिए, आपकी कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी और आपका उद्धार हो जाएगा। सफलता के नए मार्ग खुल जाएंगे और आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। ब्राह्मण देवता, मैं करूंगा, मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करूंगा। कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। इस प्रकार सुदामा जी ने ब्राह्मण शतानंद रूप में मुझे प्रभु सत्यनारायण व्रत और पूजा की विधि विधान ही नहीं समझाई, अपितु उन्होंने तो मेरी एक और सहायता भी की। धन्यवाद ब्राह्मण देवता, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस पूजा को विधि विधान से करूंगा। मैं तो कल ही कर लेता, पर मेरे पास भोग के लिए सवा शेर तो क्या, सवा दाना भी नहीं है। प्रभु श्री हरि नारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। मैं उन पर विश्वास भंग नहीं होने दूंगा। आज आपके भक्त के पास आपको जल चढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं है। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। रुकिए। भोग की सामग्री जुटाने में मैं आपकी सहायता करूंगा। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, किंतु मैं प्रभु को वही भोग चढ़ाऊंगा जो स्वयं से मोल लाऊंगा। उचित है, एक सूखा वृक्ष तो काट सकते हैं ना आप, मेरे भवन के पीछे है। यदि वो हट जाएगा तो मेरे बालक वहां खेल सकेंगे। श्रम आप कीजिए, उसके बदले उसकी लकड़ियां आप ले जाइए। धन्यवाद। उस दिन तो मैंने प्रभु की पूजा का संकल्प मात्र ही किया था और मुझे भोजन और लकड़ी दोनों ही प्राप्त हुए, और अगले ही दिन मैंने अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर प्रभु सत्यनारायण का व्रत किया, उनकी कथा का श्रवण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायण हरि। बोलो सत्यनारायण भगवान की। और वहीं से मेरा भाग्य बदलने लगा। मुझे सूखे वृक्ष मिलने लगे। जो मुझसे वृक्ष कटवाते थे उनसे मुझे उचित मूल्य मिलने लगा, और शीघ्र ही ये साधारण लकड़हारा लकड़ी का व्यापारी बन गया। किंतु तब भी मैं प्रति माह नियमित रूप से पूजा और व्रत करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा जीवन तो सफल हुआ ही, और उसके बाद भी प्रभु सत्यनारायण की कृपा से अगले जन्म में मैं गुहाराज बना, और इस प्रकार मैंने प्रभु की दया से अपना जीवन सार्थक किया। गुहाराज यानी वो केवट जिसे न केवल प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपितु साथ ही सीता राम वीर है रघुवीर है, रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु
कंज लोचन कोटि उनके नाम है। प्रभु प्रणाम प्रभु। हे केवटराज, आप हमें नदी पार नहीं कराएंगे? हे प्रभु, एक साधारण सा केवट आपकी आज्ञा को कैसे अस्वीकार कर सकता है? आपके चरण कमल पड़ने से मेरा, मेरी नौका का, मेरा जीवन सभी का उद्धार हो जाएगा। किंतु मुझे एक बात का भय है प्रभु। कैसा भय? जिस प्रकार आपके चरण धूलि का स्पर्श करते ही एक शिला देवी अहिल्या श्राप मुक्त होकर अपने मूल रूप में आ गई थी, उसी प्रकार आपके चरण धूलि का स्पर्श करते ही मेरी नौका ना बदल जाए। यदि ऐसा हुआ प्रभु तो मेरे परिवार की जीविका का साधन ही नहीं रहेगा। अतः हे प्रभु, मैं आपको अपनी नौका में आपको नहीं ले जा सकता। भक्ति का प्रतिफल तभी प्राप्त होता है जब भक्त अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है।